जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है स्कूलों को लेकर, बेहद ही बड़ी खबर। ना के नए मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया। भाई और बहनों, थोड़ी देर में इसकी पूरी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। और साथ ही में आधार कार्ड है तो अब दिवाली पर मिलेंगे 40,000 रुपए। देश भर के सभी गरीबों को मोदी सरकार ने दिया तोहफा, 10 दिन के अंदर ही बैंक खाते में आ जाएगा पैसा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का देश के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर। भाइयों और बहनों, लेकर हाजिर हो चुके हैं देश एवं राज्यों की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ताजा हेडलाइंस। आज की तमाम बड़ी खबरों में सभी बड़ी खबरें आपको इससे पहले बताएं, निवेदन करेंगे उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को अवश्य दबा लीजिएगा। तो दरअसल दोस्तों, आज की बेहद ही बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। संपूर्ण देश में टीवी पर लाइव आकर मोदी जी ने अभी किया है ये बेहद ही भयंकर ऐलान। बंद कर दी है 3 चीजें, 10 दिन का है बचा समय। जी हाँ दोस्तों, 10 दिनों के भीतर यहां पर जो है 3 चीजों के बंद करने का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते देशवासियों को लगने जा रहा है बड़ा झटका। तो भाई और बहनों, कौन कौन सी ये 3 चीजें हैं जिसको अभी मोदी सरकार ने टीवी पर लाइव आकर बंद करने का ऐलान कर दिया है? बचे हैं सिर्फ 10 दिन। अभी दोस्तों इसकी पूरी जानकारी जानने को मिलेगी, साथ ही कुछ नए नियम, कुछ नए बड़े बदलाव भी हुए हैं, संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में बताएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, यहां पर दिवाली से पहले एक और बड़ा झटका। जनता को बेहद बड़ा झटका लगा है, प्याज की कीमतों में हो गई दमदार बढ़ोतरी, महंगा हो गया प्याज। भाइयों और बहनों, दिवाली पर आपको बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब यहां पर महंगाई के चलते प्याज अब आपको खरीदने में काफी ज्यादा अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहां पर कितने रुपए तक महंगाई बढ़ गई है, प्याज की कीमतों में ताजा अपडेट निकल कर आई है। और इसी के साथ बिजली बिल बकायेदारों की अब नहीं है खैर, घर घर जाकर बिजली बिल वसूलेगी कंपनी, आप भी हो जाएं सतर्क। दोस्तों अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो आप भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि यहां पर बिजली का बिल अगर आपका बकाया होता है तो अब घर घर आकर आपके बिजली विभाग के कर्मचारी आपसे वसूलेंगे बिजली का बिल हर महीने। दोस्तों यहां पर बेहद बड़ी अपडेट आई है, इसकी पूरी जानकारी जानने को मिलेगी कहां कहां पर यह नियम लागू हुआ है। और इसी के साथ त्योहारी सीजन में गैस कंपनियों ने भी दिया बड़ा झटका, गरीबों से लेकर अमीरों तक अब आपको नहीं मिलेगा गैस सब्सिडी का पैसा, लग गई है लिमिट। दोस्तों अगर आपके भी घरों में रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो बेहद बड़ी अपडेट आई है। दरअसल यहां पर रसोई गैस सिलेंडर कंपनियों की ओर से रसोई गैस सिलेंडर बुक करवाने को लेकर एक नियम लागू किया गया है, जिसमें अब आप इतने सिलेंडर से ज्यादा नहीं करवा सकते हैं हर साल बुकिंग, वरना नहीं मिलेगा आपको बैंक खाते में पैसा। तो क्या पूरा नियम, इसकी पूरी जानकारी। और इसी के साथ में यहां पर बेहद बड़ी अपडेट आ रही है, दरअसल भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद करने के लेकर जारी हुए आदेश। जी हां भाइयों और बहनों, यहां पर बताते चलें स्कूलों को लेकर बेहद बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल भारी बारिश के बीच स्कूलों पर बेहद बड़ी अपडेट आई है, आखिरकार कहां कहां पर स्कूलों को भारी बारिश के चलते बंद किया गया, इसकी पूरी जानकारी जानेंगे। और इसी के साथ यहां पर मात्र 10,000 रुपए में मिल रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर, फटाफट से करें खरीदारी, दिवाली का चल रहा है बम्पर ऑफर। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर यहां पर आपको मात्र 10,000 रुपए में दिवाली के ऑफर के तहत, बम्पर ऑफर के तहत मिल रहा है। तो सेल के दौरान आप भी कैसे खरीदारी करेंगे, कहां पर करेंगे, इसके दोस्तों संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में बताई जाएगी। इसी के साथ आधार कार्ड को लेकर बेहद बड़ा अपडेट आया है। दरअसल दोस्तों आधार कार्ड पर एक नया नियम लागू हुआ है, आधार कार्ड अब आपका 10 साल से ज्यादा पुराना है तो अब आपका बंद हो जाएगा आधार कार्ड, फटाफट से करवाएं ये काम। दोस्तों यहां पर आधार कार्ड को लेकर इस कंपनी की ओर से एक नया नियम लगाया गया है, जिसमें अगर आपका आधार कार्ड बना है और वो 10 साल से ज्यादा पुराना है तो फटाफट से इस काम को करवा लीजिए, वरना आपका आधार कार्ड हो जाएगा बंद, साथ ही मिलने वाली सभी योजनाओं का फायदा भी हो जाएगा बंद। और इसी के साथ में गाड़ी चलाते हैं तो रहें सतर्क, 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए नया नियम हुआ लागू, अब देना होगा भारी भरकम जुर्माना, अब तक 36,000 लोगों का कटा चालान। अगर आप भी 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं तो इस नियम का जरूर करें पालन, वरना नियम तोड़ने पर भारी भरकम चालान आपका हो सकता है दिवाली के अवसर पर। कौन सा नियम है, अगर आपके घरों में 2 पहिया या फिर 4 पहिया गाड़ी है, स्कूटर है, दो मोटरसाइकिल है, तो जान ले इस नियम को फटाफट से। तो चलिए दोस्तों यहां पर जान लेते हैं सभी बड़ी खबरों को एक एक करके। उससे पहले निवेदन करेंगे आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल बटन को दबा लीजिए और बेल की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो दरअसल दोस्तों आज की बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हां, कोरोना महामारी को लेकर बेहद बड़ा अपडेट आया है। भाई और बहनों, यहां पर कोरोना के नए वेरिएंट के चलते एक बार फिर से यहां पर बेहद बड़ी अपडेट आ रही है। देखा जा रहा है कि यहां पर चीन में कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए हैं फिर से। जी हां दोस्तों, चीन से यह बड़ी खबर आई है। चीन में यहां पर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन यहां पर पाया गया है। ओमिक्रॉन तो यहां पर पहले वाला था, अब ओमिक्रॉन के ही कई और वेरिएंट यहां पर पाए गए हैं, जिसके चलते अब यहां पर दहशत बढ़ गई है चीन में एक बार फिर से। चीन में बताया जा रहा है कि यहां पर कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद में यहां पर सरकार की ओर से नए सख्त नियम भी लागू कर दिए गए हैं। यही नहीं दोस्तों, यहां पर WHO की ओर से भी यहां पर सब वेरिएंट को लेकर दुनिया को चेतावनी दी गई है, क्योंकि ये कोरोना बताया जा रहा है पिछले वाले जितने भी कोरोना के वेरिएंट थे उनसे भी ज्यादा तेजी से फैलने में खतरनाक बताया जा रहा है, फैलने में ज्यादा तेजी से सक्षम है। तो दोस्तों यहां पर चीन में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन यहां पर कुछ प्रांतों में लगा दिया गया है, क्योंकि यहां पर कोरोना का नया वेरिएंट यहां पर बेहद ही खतरनाक और पहले से ज्यादा
तेजी से फैलने में सक्षम बताया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर चीन में एक बार फिर से ये बड़ी खबर सामने आई है। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें तो मात्र 10,000 रुपए में अब खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर। दिवाली के ऑफर पर चल रहा है बम्पर तोहफा, फटाफट से कर लें खरीदारी। दरअसल दोस्तों मात्र 10,000 रुपए देकर आप भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर त्योहारी सीजन यानी दिवाली के मौके पर आपके लिए यहाँ पर जो है बम्पर ऑफर चल रहा है। खुशी के इस मौके पर अगर आप भी जमकर खरीदारी करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक कंपनियों की ओर से स्कूटर निर्माता कंपनियों ने 10,000 रुपए देकर भी अब आपको दिवाली के तोहफे पर दे रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का मौका। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कैसे खरीदना है डिस्काउंट ऑफर के साथ में, चलिए बताते हैं पूरी जानकारी। दरअसल इलेक्ट्रिक ओला कंपनी की ओर से एक बनाई गई इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि यहाँ पर आप 10,000 रुपए देकर खरीद सकते हैं और ईएमआई के साथ में आप बाकी बाद में भी यहाँ पर जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसमें आपको 74,999 रुपए पड़ेगा। इसमें आप 10,000 रुपए की पहले डाउन पेमेंट करवा सकते हैं और दिवाली के मौके पर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर घर लेकर आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें तो बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल गैस सिलेंडर को लेकर बेहद बड़ा झटका, अब गरीबों को नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी का पैसा। अभी अभी लागू हुआ है ये नियम। जी हाँ दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आई है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। त्योहारी सीजन के दौरान गैस कंपनियों ने यहाँ पर गरीबों को बड़ा झटका दिया है। अगर आप भी रसोई गैस सिलेंडर धारक हैं और आपको गैस सब्सिडी का पैसा मिलता है तो आप इस फटाफट से नियम को जान लीजिए क्योंकि यहाँ पर त्योहारी सीजन पर अब आपका बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल गैस कंपनियों की ओर से बताया जा रहा है कि यहाँ पर नए नियम के मुताबिक अब आप हर साल 15 गैस सिलेंडर से ज़्यादा की नहीं करा सकते हैं बुकिंग। इससे ज़्यादा अगर आप करवाएंगे तो उसकी सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। कुल मिला के दोस्तों आपको यहाँ पर 15 गैस सिलेंडर अगर आप बुक करवाते हैं तो उसी का सब्सिडी का पैसा सरकार आपको देगी, उससे ज़्यादा आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आपके घरों में कौन सी कंपनी का रसोई गैस सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ देश भर के मजदूर भाइयों के लिए बेहद बड़ी खबर आई है, बेहद बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों अब बढ़ने जा रही है मजदूरी, मिलेंगे ज़्यादा पैसे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर मजदूरी करते हैं, श्रमिक हैं, किसान हैं या फिर अगर आप कभी कभार भी कोई मजदूरी का काम कर लेते हैं तो अब आपको यहाँ पर बेहद बड़ा तोहफा मिलने वाला है। क्योंकि दरअसल दोस्तों झारखंड की सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी को लेकर जो है बड़ी अपडेट दी गई है। भाइयों और बहनों यहाँ पर झारखंड में बताया जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी को और बढ़ा दिया गया है, यानी कि झारखंड के जितने भी यहाँ पर मजदूर भाई हैं अब सभी को यहाँ पर ज़्यादा मजदूरी के पैसे मिलने वाले हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, बेहद ही बड़ी अपडेट आई है भाई और बहनों, यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। दिवाली के मौके पर सब्जियां होने जा रही हैं महंगी। इसी बीच प्याज को लेकर भी बड़ी खबर आई है। दिवाली के मौके पर प्याज की कीमतों में हो चुकी है बम्पर बढ़ोतरी। दोस्तों अब आपकी कमर तोड़ महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिवाली के मौके पर एक बड़ा झटका लगा है देशवासियों को क्योंकि यहाँ पर प्याज की कीमतों में दमदार बढ़ोतरी देखी गई है, यानी महंगा हो गया है फिर से प्याज। दोस्तों अगर आप भी दिवाली के मौके पर घर लेकर आने वाले हैं प्याज तो अब आपको बड़ा झटका लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्याज की कीमतों में बताया जा रहा है कि 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद ही बड़ा अपडेट, बिजली विभाग ने अभी अभी जारी किया नया नियम। अब घर घर जाकर होगी बिजली के बकाया बिल की जांच। अगर आपका भी है बकाया बिल, कट जाएगा बिजली का बिल। जी हाँ भाइयों और बहनों अगर आपके भी घरों में बिजली का कनेक्शन है तो आपके लिए एक नया नियम लगाया गया है। दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के बिजली विभाग की ओर से यहाँ पर एक अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं जिसमें सभी अधिकारियों को कहा गया है कि अब घर घर जाकर सभी बिजली बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएं। दोस्तों अगर आपका बिजली का बिल बकाया है और काफ़ी समय से नहीं जमा हुआ है तो अब आप भी यहाँ पर सतर्क हो जाएं क्योंकि घर घर जाकर अधिकारियों को अब निर्देश दिए गए हैं कि सभी का बिजली का बिल यहाँ पर जाँच किया जाएगा और उनकी यहाँ पर अगर बकाया बिल काफ़ी ज़्यादा होता है तो सभी का बिजली का जो कनेक्शन है वो काटा जा सकता है। यही नहीं दोस्तों जो भी ऐसे कर्मचारी हैं अब उनको यहाँ पर बिजली विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, यानी जो लोग जितने ज़्यादा कनेक्शंस काटेंगे बिजली बकायेदारों के उनके यहाँ पर सरकार यहाँ पर बिजली विभाग की ओर से उनको इनाम भी दिया जाएगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल भाइयों और बहनों भारी बारिश के चलते बाढ़ के बन गए हालात, कई गाँवों के है डूबने का खतरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार रखी जा रही है नज़र। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर स्कूलों को लेकर भी अभी कुछ दिनों पहले ही बंद करने के निर्देश जारी हुए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश पिछले कुछ दिनों से देखी गई है जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भारी बारिश के कारण 2 दिनों तक के लिए स्कूलों को बंद किया गया था। डीएम ने यह पर पूरी तरीके से आदेश जारी किए गए थे। और वहीं देखा जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भारी बारिश के चलते कई जिलों में बारिश के कारण बाढ़ के जैसे बन रहे हालातों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। और वहीं जहां जहां पर बाढ़ के हालात बन रहे हैं, गांवों के डूबने का खतरा है, वहां पर लोगों को बाहर निकालने का भी काम किया जा रहा है।
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड को लेकर लागू हुआ है नया नियम। 10 साल से ज्यादा है पुराना आधार कार्ड तो फटाफट से करवाएं यह काम वरना हो जाएगा रद्द। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड पर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। आधार कार्ड अगर आपका भी बना हुआ है तो 10 साल से ज्यादा पुराना अगर आधार कार्ड होता है तो आपको यहां पर फटाफट से CSC सेंटर पर या फिर अपने नजदीकी किसी भी सेंटर पर जाना है और वहां से आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना है, नहीं तो अब आपका आधार कार्ड जो है वो यहां पर कैंसिल हो सकता है या फिर आपकी जो जानकारी उसमें है वो निष्क्रिय हो सकती है। दरअसल दोस्तों यहां पर UIDAI की ओर से बताया गया है कि आधार कार्ड में जितनी भी आपकी जानकारी है वो यहां पर 10 साल पहले की है, यानी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अब अगर आप कहीं अन्य जगह पर रह रहे हैं तो अब आपको पूरी यहां पर अपडेट करानी होगी, बायोमेट्रिक डालनी होगी, नया पता डालना होगा, फिर से यहां पर वेरिफिकेशन करवाना होगा। नहीं करवाते हैं तो अब आपको यहां पर जो है कुछ योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, हो जाएगा बंद। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के गरीबों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। रेहड़ी पटरी लगाने वालों को अब मिलेंगे 40,000 रुपये, शुरू कर सकते हैं अपनी दुकान या फिर कोई डाल सकते हैं धंधा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर गरीब हैं और अगर रेहड़ी पटरी लगाते हैं, अपना कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो अब सरकार आपको 40,000 से लेकर 50,000 रुपये देने वाली है सीधे बैंक खाते में, जिसका इस्तेमाल आप अपनी दुकान खोलने के लिए कर सकते हैं या फिर कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बाद में सरकार को ये पैसे जब चाहें आप वापस भी कर सकते हैं। इसमें मोदी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा देते हुए ये भी कहा गया है कि आपको किसी भी प्रकार का लोन का जो ब्याज है वो भी नहीं देना होगा, यानी कि दोस्तों आपको बिना गारंटी के यहाँ पर जो है लोन सरकार देने वाली है, वो भी आपको बिना ब्याज के भी लोन यहाँ पर सरकार अब दे रही है 10,000 से लेकर 50,000 रुपये का, यानी 50,000 रुपये अधिकतम आप लोन ले सकते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर गरीब हैं तो आपको भी यहाँ पर पैन कार्ड लेकर तुरंत बैंक पहुँच जाना है। इसमें आपको यहाँ पर रेहड़ी पटरी योजना के तहत इस लोन को आप भी ले सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद ही बड़ी अपडेट आई है। दरअसल दोस्तों परिवहन विभाग ने फिर से लगाया नया नियम। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब नहीं है खैर, कटेगा भारी भरकम चालान। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आई है। दरअसल दोस्तों दिल्ली में एक नया नियम लागू हो चुका है। अगर आप भी यहाँ पर अपने दो पहिया चार पहिया गाड़ी निकालकर सड़कों पर लेकर जा रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में अब यहाँ पर एक नया नियम लगाया गया है जिसके मुताबिक अब अगर आप बस लेन में अपनी गाड़ी चलाते हैं तो अब आपका मोटरसाइकिल का या फिर आपकी चार पहिया गाड़ी का चालान तुरंत काट दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से यह नया नियम अभी लागू किया गया है और बताया जा रहा है कि अब तक कुल मिलाकर 30,000 वाहनों का चालान भी काटा गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का हुआ ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आई है, ताज़ा अपडेट। बंद होने जा रहे हैं फिर से बाजार, बाहर घूमते हुए पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। दोस्तों बताते चले, राजस्थान के सीकर में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ी खबर आई है। दरअसल जिस प्रकार से लॉकडाउन कोरोना के समय में लागू हुआ था उसी प्रकार से एक बार फिर से राजस्थान के सीकर जिले में एक बार फिर से बताया जा रहा है कि 9 वर्षीय बच्चे गन्नू के अपहरण के बाद जो है यहाँ के प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में जा रहा है कि एक 9 वर्षीय बच्चा है जिसका अपहरण कर दिया गया है। इसी की वजह से जो जिला प्रशासन है उसकी ओर से पूरे राजस्थान के सीकर में लॉकडाउन लगाने को लेकर जो है यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है, यानी नवलगढ़ और पिपराली में रोड पर बताया जा रहा है कि लगातार लॉकडाउन लगाने का ऐलान यहां पर यहां के जिला प्रशासन ने किया है।